आइए आज आप सभी को जो है हम व्याकरण का बहुत ही रोचक जो है प्रकरण पढ़ाते हैं। इसका नाम है रस। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं रस है क्या। रस की परिभाषा, किसी काम को पढ़ने सुनने या नाटक आदि को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहलाता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है होता है आनंद। जैसा परिभाषा में हमने आपको बताया, किसी काम को पढ़ने सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वो कहलाता है रस। रस के आचार्य हैं भरतमुनि। ये पहली सदी के कवि माने जाते हैं। आचार्य भरतमुनि की पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का जिक्र किया है। उन्होंने 9 रस शांत को अपने नाटक में स्थान नहीं दिया है, 9 रस के रूप में शांत रस को प्रतिष्ठा प्रदान की आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने जो है शांत को रस को 9 रस के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की है। इस तरह अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो 8 है, और सामान्यतः रसों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। इसी में बाद में 2 रस को और जोड़ा गया है, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो टोटल रसों की संख्या हो जाती है 11। लेकिन जो रसों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए एग्जाम में तो रस 9 होते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब आगे आपको हम बताते हैं। अब बात आती है रस सूत्र। आचार्य भरतमुनि ने रस सूत्र जो दिया है वो है विभाव नुभाव व्यभिचार। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्र रस निष्पत्ति। यानी विभाव अनुभाव संचार व्यभिचारी भाव या संचारी भाव और अस्थाई भाव से रस की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति होती है। यानी रस के जो अंग हैं वो है 4, विभाव अनुभाव इसी व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी बोला जाता है। और अस्थाई भाव यानी रस के जो अंग हैं वो है आपके विभाव अनुभाव संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। इस तरह रस के जो अंग हुए वो है आपके 4। अब विभाव के भेद देखो, इसके 2 भेद हैं। पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। अनुभाव
चार होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और चौथा आहार। यानी अनुभाव की संख्या चार, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव इनकी संख्या मानी गई 33। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संचारी भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, यहाँ छोटे स्तर से लेकर के कंपटीशन स्तर तक ये बार बार पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, वो है 33। और अस्थाई भाव, जितने रस उतने अस्थाई भाव, यानी रसों की संख्या 9 तो अस्थाई भाव 9। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको हम आगे बताते हैं। अब रसों के प्रकार में पहला आपको बताते हैं श्रृंगार। श्रृंगार पहला रस अथवा श्रृंगार, श्रृंगार दो शब्दों से मिलकर बना, श्रृंग धन आर। श्रृंग का अर्थ होता है काम मन, और आर का होता अर्थ होता है उद्रेक या उद्भूत होना, उद्भव होना, यानी कामोद्रेक भावना की उद्भूत या काम वृद्धि ही श्रृंगार कहलाती है। ठीक है श्रृंगार। अब हमने आपको जैसा बताया श्रृंग का अर्थ होता है काम, और आर का अर्थ होता है उत्पन्न होना या उद्भूत होना, यानी काम वृद्धि या कामोद्रेक होना का उद्भूत होना ही श्रृंगार इसमें परिणत होता है। इसका जो अस्थाई भाव होता है वो श्रृंगार का होता है रति, श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति। जो कुछ भी रमणीय है, जो कुछ भी दर्शनीय है, जो कुछ भी सुंदर है वो श्रृंगार के अंतर्गत ही आता है। इसका जो दूसरी चीज आप देखिए, श्रृंगार की दो भेद की है, शयनोक श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। अब देखो आप शयनोक श्रृंगार कहां हुआ, जहां नायक नायिका के मिलन का, स्पर्शन का, आपसी बातचीत का जिक्र हो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है, और जहां नायक नायिका के मिलन, उनसे बिछुड़ने का, उनके अलगाव होने का, अलग होने का वर्णन होता है, दुख का वर्णन होता है, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए स्पष्ट हो जाएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ का है भवन हसे देन का है नट जाए। बतरस लालच लाल की, लाल यानी कृष्ण की, भगवान कृष्ण की मुरली को राधिका जी छुपा के रख देती है, क्यों, श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए। बतरस, बतरस माने बातों के रस का पान करने के उद्देश्य से राधिका जी कृष्ण की मुरली को छिपा के रख देती है, और जब कृष्ण पूछते हैं तो वो सौगंध खा के कहती है कि हे कृष्ण मैंने आपकी मुरली नहीं छुपाई। तो यहाँ पे नायिका के आपसी बातचीत का वर्णन है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। ठीक है, जैसा मैंने परिभाषा में बताया, नायक नायिका के मिलन का, उनकी स्पर्शन का, उनकी बातचीत का, उनके मनोविनोद का जहां पे भी वर्णन होता है वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। एक उदाहरण और देखो, कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। यहां भी नायक नायिका के मिलन का वर्णन है, आपसी बातचीत का वर्णन है, तो यहां पे भी संयोग श्रृंगार। अब देखो भाई वियोग, जहां नायक नायिका के अलगाव का वर्णन होता है,
और उसमें एक दूसरे की दुखी होने का जिक्र होता है, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए, निसदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब दे श्याम सिधारे। यहां गोपियां कह रही हैं, जिस दिन से भगवान कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए, उस दिन से मेरी आंखों से निरंतर अश्रु धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं, बहती रहती हैं। ऐसा लगता है कि मानो हम पे वर्षा ऋतु छाई हुई है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई, आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। अब चलिए आपको अगला बताते हैं। हास्य रस, हास्य रस का स्थाई भाव है हास्य। हास्य रस जहां किसी की विचित्र वेशभूषा, उसके विचित्र रूप को देख करके हंसी आती है, और एक विशेष चीज बताते हैं आपको, जहां किसी के बहुप्रतीक्षित आगमन से, किसी का बहुत लंबे समय से इंतजार हो और उसके आगमन से, वहां पे जो खुशी का माहौल होता है, खुशी का जो स्थिति जो होती है, वहां पे भी हास्य रस होता है। यानी किसी की विशेष वेशभूषा, उसके रूप को देख करके हंसी आए, या किसी की जो है बहुप्रतीक्षित आगमन से, बहुत दिनों से किसी के आने का इंतजार हो और उसके इंतजार से जो खुशी, जो उत्सुकता उस माहौल में बनी हो, वहां भी हास्य रस ही होता है। उदाहरण के लिए देखिए आप, पुण्य पुण्य उकसहि उसक सहि अकुलाई, देखी दशा हरिगन मुस्काई। और दूसरा आपको बताते हैं, जिसको आपने बहुत शुरुआत से ही छोटी क्लास से आपने पढ़ा होगा, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी कथा सुन, वृंद सुखारे, मणि मणि शिला सब चंद्र मुखी, पर से मंजुल बन तिहारे। यहाँ पे उस समय वहां की स्थिति का वर्णन है, जब जो है विंध्य पर्वत में निवास करने वाले जो ऋषि मुनि थे, वो बहुत दिनों से राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, राम के आगमन का इंतजार कर रहे थे, और आज ये पता चलता है कि राम जी का आगमन होने वाला है, और राम जी के आगमन से जो है हमारे समस्त कष्ट, हमारे समस्त दुख, हमारे समस्त बाधाएं आज समाप्त हो जाएंगी, मिट जाएंगी, और गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या है, उनका भी आज उद्धार हो जाएगा, वो भी आज तर जाएंगी, आज उनका भी कल्याण हो जाएगा, और हम लोग जो इन राक्षसों से परेशान हैं और पत्नियों के अभाव में जी रहे हैं, आज वो भी सारे दुख दारिद्र हमारे समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वो आज बहुत खुश हैं, या इसलिए ऐसी स्थिति यहाँ भी हास्य रस। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। और जो पहला उदाहरण मैंने बताया है, देखी दशा पुनि पुनि उकसक सही मुस्काई, देखी दशा हरिगन मुस्काई, यहाँ पे जो है, यहाँ ये भी एक सामान्य कथा का ही जिक्र है, जिसमें एक बार नारद जी होते हैं और किसी जो है स्वयंवर में कई जगह से, कई देशों से राजकुमार आए हुए थे, उसमें जो है नारद मुनि भी जाकर के उसी लाइन में लग जाते हैं स्वयंवर के लिए जो है, लेकिन इनका मुख जो होता है किसी के श्राप के कारण बंदर का हो गया होता है, तो जो बाकी वहां राजा गढ़ थे जो लाइन में लगे थे, वो जब इनको देखते हैं तो वो देख देख करके एक दूसरे को जो है इनकी तरफ देख देख करके वो लोग मुस्कुराते हैं और इनको स्वयं नहीं पता लगता है। तो ठीक है, ऐसी दोनों, इस दोनों उदाहरण से ये चीज स्पष्ट हो गई, यहाँ हास्य रस।